क्लास 11 में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि जिन बच्चों ने अभी पेपर दिए हैं वो सोच रहे होंगे कि भाई क्या विषय लें क्या नहीं लें। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कॉमर्स लेने वाले हैं, कैसे पढ़ाई घर में करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो ये स्टार्टअप का नया पॉइंट यहाँ पे आज आपको मिलेगा। पहला चैप्टर है क्लास 11 का सेट्स का चैप्टर है मैथ में। तो सेट सबसे पहले हम जानते हैं कि सेट होता है क्या। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें काफी सारी चीजें हैं इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगी। तो सेट क्या होता है, डेफिनेशन पहले रीड करते हैं। इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कि ऑब्जेक्ट जितने भी चीजें हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मान लीजिए कि मेरे कमरे आप एक क्लास में आप 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों का जो कलेक्शन है वो सेट कहलाएगा। रोल नंबर 1 से लेकर 40 तक जो भी नाम है उनके नाम लिख देंगे, और उसको हम क्योंकि डिफाइन कर सकते हैं कि हमें इन क्लास 11th सेक्शन ए, 11th सेक्शन ए में 40 बच्चे हैं, तो इट इज वेल डिफाइंड। ठीक। अच्छा, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके घर में कितने बुक्स हैं, क्या ये सेट है? यस, क्योंकि आप वेल डिफाइन कर सकते हो कि हाँ भाई मेरे घर में इतनी किताब है, 100 किताब है, 50 किताब है। वेल डिफाइन किया जा सकता है कि ये किताब है, हमने उनके नाम लिख दिए। अब अगर मैं ये क्वेश्चन रखूं कि आप ये बताइए कि दुनिया का सबसे डेंजरस एनिमल कौन सा है, तो क्या आप इसे डिफाइन कर पाएंगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू 1%, कोई एक पर्सन बोलेगा कि ये वाला जानवर ज्यादा डेंजरस है, दूसरा पर्सन बोलेगा ये जानवर ज्यादा डेंजरस है। तो अकॉर्डिंग टू पर्सन ये वैरी करता जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति ये एक एनिमल को डेंजरस बोलेगा ज्यादा, मोस्ट डेंजरस, दूसरा व्यक्ति दूसरे को बोलेगा, विचारधाराएं अलग होंगी, तो वो वेल डिफाइन नहीं कर पाए, हम उसको डिफाइन नहीं कर पाए, तो वो सेट नहीं कहलाएगा। ध्यान रहे, सेट वेल डिफाइंड होना जरूरी है। अगर मैं कहूँ आसमान में तारे गिनने हैं, तो क्या ये सेट है? आप नहीं काउंट कर सकते, आपको नहीं पता, डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये सेट नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मुंशी प्रेमचंद की किताबें ले लेते हैं। चलिए, एक ऑथर लेखक हैं, उनकी किताबें अगर मैं कहूँ सबसे अच्छी किताब कौन सी है, तो मुझे क्या पता एक किताब अच्छी लगे, आपको दूसरी किताब अच्छी लगे, थर्ड पर्सन को थर्ड किताब अच्छी लगे। तो सबसे अच्छी किताब व्यक्ति की, पर्सन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, किस पर्सन का किस बुक में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो हम अगर इसको बोला जाए कि भाई सबसे बढ़िया बुक कौन सी मुंशी प्रेमचंद की, तो ये भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इट इज आल्सो नॉट अ सेट। अब क्लियर हुआ वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है? सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड एज कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर यानी जैसे ए बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी एंड सो ऑन। और जो इसके अंदर एलिमेंट होते हैं, ये इसका सिंबल ये है, और इसको डिनोट करेंगे, मान लीजिए ए सेट है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उनको एलिमेंट बोलते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है, 1 2 3, मान लीजिए मैंने 3 काउंटिंग लिख दी, तो ये कहलाएंगे एलिमेंट्स। क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स। आपकी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 40 तक है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स। वॉवल की बात करते हैं, अगर वॉवल देते हैं हम, एक मिनट, वॉवल कितने होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो ये एलिमेंट है अंदर, आप देखिए ये सारे एलिमेंट है, ये छोटी एबीसीडी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट जो सेट का नाम है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और ये वाला ब्रैकेट है, आपने ये ब्रैकेट बनाया होगा, ठीक है, जिसको हम फटाफट सुविधा के लिए ऐसे बना लेते हैं, फटाफट फटाफट तैयार हो जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। अब और एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं कहती हूं कि सबसे अच्छा एक्टर कौन सा है, मेरे अकॉर्डिंग एक एक्टर अच्छा होगा, आपके अकॉर्डिंग दूसरा एक्टर अच्छा होगा, तो इंडिया में सबसे अच्छा एक्टर कौन सा है, क्या ये सेट है? नहीं। क्यों नहीं ये सेट? क्योंकि इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, कि किसको कौन सा एक्टर पसंद आ रहा है, तो इट इज नॉट
सेट। सेट का समझ में आ गया आपको। अब एक एग्जाम्पल हमने वॉवर वाला लेके यहाँ पे छोड़ देते हैं कि ए ई आई ओ यू, इसमें अंदर वाले एलिमेंट को, अंदर जो ऑब्जेक्ट है उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। तो टोटल एलिमेंट कितने इसमें काउंट कर लेंगे, 5। तो एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 5। क्लास में बच्चे अगर 50 है, सेट का नाम आप कुछ भी दीजिए, जेड दे दीजिए, और एलिमेंट कितने हैं टोटल 40। ठीक, अगर कोई एलिमेंट जैसे अब मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया एप्पल, एप्पल एप्पल का सेट बनाना है। एप्पल में ये हर वर्ड अलग अलग है, ए डबल पी एल ई। तो जब हम इसका सेट बनाएंगे, सेट का नाम देंगे ए, एक लेटर है इसमें ए, और अगर रिपीट हो रहे हैं एक से ज्यादा बार, जितनी बार भी रिपीट होंगे उस वर्ड को एक ही बार लिखना है, यानी एक एलिमेंट है रिपीट को एक ही बार लिखना है। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं, 4, और इन 4 एलिमेंट से हमने एक वर्ड बनाया एप्पल। ठीक है, क्लियर हुआ, रिपीटेड नहीं करना है आपको, एक लेटर को एक ही बार लिखना है, एक से ज्यादा बार नहीं लिखना है। तो हमारा ये सेट क्लियर हो गया। तो सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, ए बी सी डी, और ऑब्जेक्ट जो इसके ब्रैकेट में होते हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हो सकता है वो काउंटेबल भी हो सकता है ना भी काउंट हो। जैसे नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या वो वेल डिफाइंड है बताइए। यस, सेट ऑफ नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड है, क्योंकि आपको पता है कि उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंटिंग नंबर ही तो है। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, और हम बस इसे काउंट नहीं कर सकते, बट वी कैन डिफाइन इट, हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड, इसको हम अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या होल नंबर हो सकता है सेट? यस। तो अगर हम सारे जो हमने प्राइमरी क्लास से लेकर अब तक पढ़े हैं, कौन कौन से हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, इंटीजर्स, क्या ये सब सेट्स हैं? यस हैं। होल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं आप यहाँ जीरो लगा के। होल नंबर कहाँ से काउंट होता है? जीरो से होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। इंटीजर नंबर लाइन है माइनस और 1 की, कैसे लिखेंगे उसे बताइए, वो दोनों तरफ से है ना। इंटीजर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, -1, -2, -3 डॉट 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 एंड सो ऑन। क्या ये सेट है? यस इट इज अ सेट बिकॉज, क्योंकि हमारे पास एक वर्ड है वेल डिफाइंड, वी कैन डिफाइन इट, हम इसे डिफाइन कर पा रहे हैं, हम इसे लिख पा रहे हैं कि हाँ भाई ये सेट है, प्रॉपर वे में चल रहा है, ये इंटीजर है। क्या रैशनल नंबर? यस, जो भी डिफाइन हो पाए वो सेट होते हैं। ठीक है, नाउ प्रेजेंट कैसे करते हैं हम, प्रेजेंट कैसे करते हैं सेट्स को, कैसे कैसे दिखाया जा सकता है? एक है रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये होता क्या है, ये होता क्या है? तो सबसे पहले जो मैंने ये प्रेजेंट किए हैं, ये जो आपको दिख रहे टेबल फॉर्म, ये सारे रोस्टर फॉर्म है। यानी सेट को अगर आप इस रूप में दिखा पा रहे हैं जो दिख रहा है आपको सामने, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म है। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, एक एग्जाम्पल से बताते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, मान लीजिए नेचुरल नंबर है, उसको आप ऐसे ना लिख के आप एक वर्डिंग में शॉर्टकट में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? ये बी एक सेट है नेचुरल नंबर का, तो आप लिखोगे एक्स, एक्स क्या हो सकता है, एक्स सच दैट, स्टार्टिंग हो रही है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, आपने क्लियर कर दिया कि ये x मैंने लिख दिया b सेट, इसमें x क्या है, नेचुरल नंबर है, इसका मतलब x कैन बी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, x कुछ भी हो सकता है। इसको हमने जो इतनी लंबी काउंटिंग है उसको शॉर्ट में लिख दिया, सेट कर दिया एक तरीके से, तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसका तरीका यही होता है, इस सेट का नाम लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, और जो आपने डिनोशन दिया है सारों पे अप्लाई हो रहा है वो यहाँ लिखिए, सच दैट एक्स क्या है आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको इंटीजर का देना है, तो आप लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर।
एक्स क्या है, इंटीजर है, ठीक है, इवन नंबर पे देना है तो एक्स इज एन इवन नंबर, एक्स इज एन ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर पे देना है आपको, तो इस तरह से आपने इस एक्स को डिफाइन कर दिया कि आप एक्स को नेचुरल नंबर के अलावा कोई भी नंबर नहीं ले सकते, यानी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन ले सकते हैं, बट माइनस में नहीं लिख सकते एक्स की वैल्यूज, अपॉन में नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। तो एक्स आपने डिफाइन कर दिया कि एक्स नेचुरल नंबर के अलावा कोई और नंबर हो ही नहीं सकता। तो ये चीज क्लियर हुई। आप इसके ऊपर हम एक्सरसाइज जो है, आज तो हम डेफिनेशन समझा रहे हैं, एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन से समझाऊंगी। आप लोग रिव्यू जरूर कीजिएगा कि मेरा वीडियो कैसा रहा है। ये तो हमने ये पढ़ लिया, सेडमेंटर फॉर्म पढ़ लिया, रोस्टर फॉर्म पढ़ लिया जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और सेडमेंटर फॉर्म भी हमने पढ़ लिया। एक एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल आगे आएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट एंड वॉइड सेट, ये क्या होता है, तीनों एक ही नाम है, एम्प्टी मीन्स खाली, नल मीन्स खाली, वॉइड मीन्स भी खाली, यानी एक ऐसा सेट जो खाली है, अपने आप में अंदर से खाली है, उसमें कुछ नहीं है। तो डेफिनेशन बन गई कि नहीं बन गई, अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, यानी कोई भी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, जो एलिमेंट अंदर नजर आ रहे हैं इनमें से कोई सा भी एलिमेंट नहीं है, यानी जिसको हमने सिर्फ ऐसे लिख दिया, एम्प्टी है, अंदर से खाली है, तो इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। और इसको हम 5 से भी डिनोट करते हैं, ये 2 डिनोशन है इसके। चलिए एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ पे सेट डिविजन फॉर्म लिखा है कि एक सेट ए है, पढ़ते कैसे, इसे एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड 2, यही बोलेंगे ना कि एक्स 1 और 2 के बीच में लाई करता है, या आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है, बट एक्स इज स्मॉलर देन 2। अब x क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर, इसने बता दिया कि x नेचुरल नंबर है। अब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाइए, a ये तो सेडमेंटल फॉर्म है, ये कह रहा है x नेचुरल नंबर है, यानी एक ऐसा नेचुरल नंबर बताइए a के x से ज्यादा, जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, ऐसा कोई नेचुरल नंबर बताइए जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है, नहीं है। नेचुरल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर है ना, आपके सामने देखिए नेचुरल नंबर मैंने लिखा है, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, कोई नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये सेट आपका खाली है, एम्प्टी है। तो इसीलिए एग्जांपल ही मैंने रखा है कि एम्प्टी सेट क्या होता है, वो सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, इट इज कॉल्ड नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। क्लियर हुआ, सेट के डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। सेट को दो तरीके से डिफाइन करते हैं, ये क्लियर हो गया होगा, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट क्या होता है, ये क्लियर हो गया होगा। नाउ फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ड से पता चला, फाइनाइट मींस कि जिसे काउंट कर सके, और इनफाइनाइट जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, यानी इसको काउंटेबल भी बोलते हैं, वो सेट जिसमें एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 वॉवल का सेट, 5 एलिमेंट है, हमने काउंट कर लिया, तो इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मैं पूछूं अगर ये फाइनाइट है कि नहीं है, यस इट इज फाइनाइट सेट। अगर इसको मैं बोलूं काउंट कर दिखाओ नेचुरल नंबर को, आप लोग कर लेंगे काउंट, नहीं कर पाएंगे, तो इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब एक चीज और बतानी है, फाइनाइट और इनफाइनाइट समझ में आ गया कि जितने भी इनफाइनाइट सेट होते हैं वो जरूरी होता है कि हम उनको सेट बिल्डर या रोस्टर फॉर्म में लिख पाए, क्योंकि फॉलो नहीं कर पाते पैटर्न, जैसे कि रियल नंबर्स है, रियल नंबर का पैटर्न फॉलो नहीं होता, उसके बारे में और एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट बात कि जो ये एलिमेंट है ए या बी या सी डी जो भी हो, ए ई आई ओ यू है, अगर एलिमेंट ध्यान से देखिएगा, एलिमेंट ए सेट ए का है, सेट ए का एलिमेंट है, तो उसको डिनोट कैसे करेंगे, हम उसको बताएंगे कि ए बिलोंग्स टू सेट ए, बिलोंग्स इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स, क्या पढ़ते हैं इसे, बिलोंग्स, ए बिलोंग्स टू सेट ए का मतलब ये है कि ये सेट ए के अंदर आता होगा। अगर इसको आपको ऐसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, टू बिलोंग्स टू सेट बी, अगर यहां लिखना है जीरो बिलोंग्स टू सेट सी, तो ये वर्ड पूछा जाएगा एक्सरसाइज में आपका है कि क्या ये सेट का एलिमेंट है कि नहीं है।
तो belongs to अगर है तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ be, तो क्या be set A को belong करता है? नहीं करता है, तो अब इसे काट देंगे। इसका मतलब है does not belong, क्या मतलब है इसका? does not belong to। तो हमारा set clear हो गया, methods पता चल गए कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं, empty set, finite और infinite set, नाम से ध्यान रखिए, count कर सकते हैं तो finite set है element को, और एनिमल को काउंट नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट सेट है। नाउ इक्वल सेट क्या होते हैं? कोई भी दो सेट ले लीजिए, मान लीजिए एक सेट ले लिया मैंने 1 2 3 और दूसरा सेट ले लिया 2 1 3। इसकी दो कंडीशन है, एक तो एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, 1 2 3 तीन एलिमेंट इसमें भी है, तीन एलिमेंट इसमें भी है, दूसरा एलिमेंट सेम भी होने चाहिए। तो क्या यहां 1 है, यहां पे है वो? यस yes. क्या ये एलिमेंट 2 यहां पर है? यस yes. क्या ये एलिमेंट 3 यहां पर है? यस yes. तो हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू B, इस तरह से डिनोट किया जाता है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B, देन A इज कॉल्ड इक्वल टू B। ध्यान रहेगा इक्वल होने भी चाहिए एलिमेंट और सेम भी होने चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सबसेट क्या होता है? वर्ड से समझ में आ रहा है कि सबसेट क्या होता है? सबसेट यानी सेट का, ये भी खुद भी सेट है लेकिन उस सेट से निकला हुआ है। तो एग्जांपल समझते हैं इसको, कि मान लीजिए कि एक मैंने सेट ले लिया बी 1 2 3 4 5 और एक और सेट ले लिया 1 2 3। ये दोनों ही सेट हैं, पहली बात तो ये भी सेट है, वेल डिफाइंड है, और ये भी सेट है। अब क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें आते हैं? यस, 1 इसमें आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, और इसके अंदर ऐसा और कोई एलिमेंट नहीं है जो इससे बाहर हो, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज सबसेट ऑफ बी। ये बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। डेफिनेशन दोबारा सुन लीजिए, कोई भी ऐसा सेट मान लीजिए ए, वो सबसेट होगा किसी दूसरे सेट का इफ एवरी एलिमेंट ऑफ दिस इज इन बिगर सेट। ठीक है, ये बड़ा सेट है, बराबर भी हो सकते हैं, हो सकता है इसमें भी 3 हो तो फिर ये इक्वल भी कहलाएंगे। अच्छा, इक्वल सेट पे ध्यान रहे कि ये इक्वल तो है भी, ये इसका भी सबसेट है और ये इसका भी सबसेट, ये आपस में एक दूसरे के सबसेट है और इक्वल हो गए। ठीक, इतना क्लियर हो गया कि अगर कोई ए सेट है बी का सबसेट है और बी सेट है ए का, तो दोनों इक्वल भी होंगे। दूसरी बात, 5 जो है सबसेट होता है एवरी सेट का, हर सेट का सबसेट होता है। तो हमारे पास कुछ सिंपल आए जिनको हम रिवाइंड करते हैं, दोबारे समझ लेते हैं कि हमारे पास सिंपल आए क्या क्या से। एक आया हमारे पास ये डिनोट करता है सेट को, किसको डिनोट करता है? सेट को, और सेट को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। और अगर इसके अंदर खाली है तो इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट, और उसको 5 से भी डिनोट किया जा सकता है। दूसरा सिंबल आया हमारे पास ये बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब ये है कि यहां पर कोई एलिमेंट होगा और वो किसी सेट को बिलोंग करता होगा। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? ए बिलोंग्स टू सेट ए, दिस इज एलिमेंट, ये है एलिमेंट और ये है सेट, यानी ये एलिमेंट इस सेट के अंदर आता है। इसको ऐसे पढ़ा जाएगा ए बिलोंग्स टू सेट ए, दिस इज एलिमेंट, दिस इज सेट। क्लियर हुआ? चलिए, एक ये सिंबल आया, एक ये सिंबल आया, और एक आया आपके पास सबसेट का। सबसेट का मतलब ये है कि यहां भी एक सेट है और यहां भी ये सेट है, बट ये इसका बच्चा है, इसका सुपीरियर या छोटा भाई है, जो भी बोलिए, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, और इसके ऑल एलिमेंट्स, इसके सारे एलिमेंट्स सारे के सारे बी में आते होंगे, बी में आएंगे ही आएंगे, बी के एलिमेंट होंगे ही होंगे, जितने भी इसके एलिमेंट्स होंगे वो सारे बी में आएंगे ही आएंगे। ये सारे बेसिक सिंबल आपको मैंने आज फर्स्ट चैप्टर के बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज के साथ साथ नेक्स्ट बेसिक टॉपिक्स इसके बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे आपकी क्लास 11 की शुरुआत होगी। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।